हेलो गाइस, अगर आप इस थंबनेल को देख के मेरे चैनल पर आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग द इंग्लिश स्पोकन हब। माय नेम इज सत्येंद्र रावत एंड टुडे आई विल टीच यू, टुडे आई विल टेल यू ऑल दीज सेंटेंसेस। हाउ विल यू फ्रेम? लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, तो हम पहले अपने सेंटेंस के पास चलते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा कुछ इस तरीके से, उसके पास ढेरों रुपया है। ही हैज़ बैग्स ऑफ मनी, ही हैज़ बैग्स ऑफ मनी, आई हैव बैग्स ऑफ मनी, यू हैव बैग्स ऑफ मनी, सी हैज़ बैग्स ऑफ मनी। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, बैग्स ऑफ मनी। ओके, दूसरा सेंटेंस देखेंगे। अंग्रेजी सीखना बड़ा सरल है। लर्निंग इंग्लिश इज अ ब्रिज, लर्निंग इंग्लिश इज अ ब्रिज फ्रॉम द इंग्लिश स्पोकन हब। ओके, तीसरा सेंटेंस देखेंगे। दूसरे की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। ओके, दूसरों की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। ओके, डोंट ट्रीट ऑफ अदर्स कॉर्न, डोंट ट्रीट ऑफ अदर्स कॉर्न। ओके, चौथा सेंटेंस देखेंगे। मोहन घोड़े बेचकर सो रहा है। मोहन इज स्लीपिंग लाइक अ डॉग। अब ऐसा नहीं है कि मोहन बाज़ार में गया हो और उसने वहाँ पे अपने घोड़े बेच दिए हो और वो आके घर पे सो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ ये होता है कि थक के गहरी नींद में सो जाना। ठीक है, आप इसको इसी तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम स्लीपिंग लाइक अ डॉग, मैं घोड़े बेच के सो रहा हूँ। यू आर स्लीपिंग लाइक अ डॉग, सी इज स्लीपिंग लाइक अ डॉग, माई ब्रदर स्लीप्स लाइक अ डॉग। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, दिस सिचुएशन, यू कैन फ्रेम मेनी सेंटेंसेस। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू। पाँचवा सेंटेंस देखेंगे। अपने भाई को मेरा नमस्कार कहना, अपने भाई को मेरा नमस्कार कहना। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? प्लीज़ रिमेंबर मी टू योर ब्रदर। प्लीज़ हम यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर मी टू योर ब्रदर। देखेंगे हम छठा सेंटेंस। ओके, वह आदमी तो दो कौड़ी का भी नहीं है, वह आदमी तो दो कौड़ी का भी नहीं है। कैसे इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड पे हमारे, दैट मैन इज़ नॉट वर्थ अ स्ट्रो, दैट मैन इज़ नॉट वर्थ अ स्ट्रो। ठीक है, ये इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा सेंटेंस। ठीक है, और आप देखेंगे अब सातवां सेंटेंस। सातवां सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूनिक सा सेंटेंस है, देखते हैं। राजू मेरे इशारे पर नाचता है। राजू इज़ एट माई बैक एंड कॉल। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही यूजफुल, लोग पूछते हैं और लोग बताते भी हैं ऐसे सेंटेंसेस को। ठीक है, यह बहुत, आठवां सेंटेंस है, ध्यान देंगे। यह बहुत बार सुना सुनाया मजाक है। ठीक है, ये बहुत बार, एक मेरा दोस्त है, वो मुझे कई ऐसे मजाक और ऐसी टिप्पणियां सुनाता है जिसपे मैं कहता हूँ कि यार ये तो बहुत पुराना वाला था, ये तो तुमने तब भी सुनाया था। तो उसको क्या कहते हैं कि ये तो बहुत सुना सुनाया और पुराना सा मजाक है। ठीक है, यह बहुत बार सुना सुनाया मजाक है। इट इज़ अ कॉर्नी जॉक। ओके, इट इज़ अ कॉर्नी जॉक। ठीक है, नौवा देखेंगे। रमेश औरों से कहीं अच्छा लेखक है। रमेश औरों से कहीं अच्छा लेखक है, कहीं अच्छा लेखक है, यानी कि कंपेयर कर रहा है रमेश को दूसरों से, कि वो दूसरों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? रमेश औरों से कहीं ज़्यादा या कहीं अच्छा लेखक है। रमेश इज़ बाय फार द बेस्ट राइटर, रमेश इज़ बाय फार द बेस्ट राइटर। आप इसको किसी भी तरीके से किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बोलूँ कि तुम बहुत ही तुम औरों से कहीं अच्छे लेखक हो, और तुम औरों से कहीं अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, और सीता औरों से कहीं अच्छी लेखक है, या फिर मैं कहता हूँ सीता औरों से कहीं अच्छी सिंगर है। ठीक है, इस तरीके से बाय फार द बेस्ट का यूज़ करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, मैं बोलूँ जैसे सीता औरों से कहीं ज़्यादा अच्छी सिंगर है, गायिका है। ठीक है,
बाय, फॉर द बेस्ट का यूज़ करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। दसवां सेंटेंस देखेंगे, तुम अक्सर मेरे विचार चुरा लेते हो। यू ऑफन अप्रोप्रिएट माई आइडियाज़, यू ऑफन अप्रोप्रिएट माई आइडियाज़, ठीक है। इस सेंटेंस को सुन के और इन सेंटेंसेस को आपको पढ़ के कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स जो अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, जिनको इन सेंटेंसेस के बारे में नहीं पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ख्याल रखिए, चलते हैं।